दे रहा है पैसा। अच्छा तो आप यहाँ के विधायक का भी संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस के विधायक से क्यों संतुष्ट नहीं है? ऐसे क्या कोई काम करता ही नहीं है? अच्छा क्या काम नहीं करता? उसने बोर रहे पनियार में कोई बोर नहीं कराई। मध्य प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पूरा फैसला जनता के हाथों में आ चुका है कि जनता किसे ये ताज पहनाने वाली है। क्या एक बार फिर से कमल खिलेगा या फिर इस बार कमलनाथ आएंगे, इस बात पर अभी भी संशय बना हुआ है और इसका फैसला 3 दिसंबर को ही होगा। लेकिन जिन वादों के सहारे जनता से जनप्रतिनिधि वोट मांगते हैं, क्या उन वादों पर वे जनप्रतिनिधि खड़े उतरते हैं? आज हम आपको ऐसे ही विधानसभा से रूबरू कराने वाले हैं जहां केवल कागजों में ही विकास कार्य हुआ है। फास्ट समाचार की टीम द्वारा ग्वालियर की भितरवार विधानसभा में जाना हुआ यहां के विधायक हैं लाखन सिंह। इसी के साथ वहां पहुंचकर सड़कों की व्यवस्था पर नजर डाली गई और साथ ही क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान भी दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं हमारे खास संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सटी हुई भितरवार विधानसभा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर ये जैन मंदिर का रास्ता है, ये पूरा रास्ता आप मेरी तरफ से देख सकते हैं सीसी रोड से बना हुआ है। तो आपको मैं इधर दिखाना चाहूंगा, ये एबी रोड के लिए रास्ता गया हुआ है, ये पूरा रास्ता डामरीकरण हो चुका है, डामर का रोड है। लेकिन आज से सिर्फ कुछ वर्ष पूर्व विधायक निधि के माध्यम से यहाँ पर मुर्मीकरण हो चुका है, ऐसा कागजों में निकला है पैसा। क्या यही है विधायक का विकास कार्य? क्या यही विकास कार्यों को लेकर बनाई जाएगी दोबारा से सरकार? क्या यही है 15 साल का विकास कार्य? इसमें दो वर्ष 2019-20 में इसी सड़क पे मुर्मीकरण का 5.5 लाख रुपए निकला है। आखिर ये कैसा विकास कार्य? तो सुना आपने किस तरह कागजों पर मुर्मीकरण कर दिया गया है और विधायक निधि से पैसे भी निकाल लिए गए हैं, लेकिन आखिरकार उस राशि का क्या हुआ है, ये चिंता का विषय है। क्षेत्र की स्थिति को देखकर क्षेत्रवासियों से भी चर्चा की गई और उनका हाल भी लिया गया। ऐसा विधायक पद जब बना कांग्रेस का, ऐसा जीवन में आएगा भी नहीं। आएगा भी नहीं? हाँ, उसके हृदय में 5 पैसे से बजरंग के लिए नहीं निकले तो उसको साले को वोट भी देना बेकार है। मतलब बजरंग जी सजा देंगे अब की बार? बिल्कुल ऐसे सजा देंगे कि जीवन में लड़ने नहीं आओ। अच्छा हाँ, तो मतलब आपके विधायक को आप कितने नंबर दोगे 10 में से? अरे बाहर ही देंगे कछु भाई, बताओ जरूर दे रहा है पैसा। अच्छा तो आप यहाँ के विधायक का भी संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस के विधायक से क्यों संतुष्ट नहीं है? ऐसे क्या कोई काम करता ही नहीं है? अच्छा क्या काम नहीं करता? उसने बोर रहे पनियार में कोई बोर नहीं कराई, कुछ बोर नहीं कराया उसने, नहीं कराई। हमारे मोहल्ला में चले जाओ, प्यासन न मर रही है आदमी। और कोई सी मूलभूत सुविधाएं जो आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है इस राज्य में? नहीं हुआ ना कोई सुविधा। और लेकिन शिवराज सिंह चौहान है, सब पैसा दे रहा है बकायदा, मतलब सब कुछ कर रहा है। हमारे तो हम शिवराज सिंह चौहान को वोट दे, कुछ नहीं है। उनने आज तक 20 साल में एक भी विकास नहीं किया, 20 साल पीछे चला गया जी क्षेत्र उनके बने सरकार। अगर विधायक ही अपने क्षेत्र के विकास के लिए नहीं सोचेंगे तो आखिरकार इस भोली भाली जनता का कौन भला सोचेगा, उनकी परेशानियों को कौन हल करेगा? और क्या इसी तरह से ही विधायक अपनी निधि से राशि का हेर फेर करते रहेंगे?